बूम बूम कर रहा है होटल में। अच्छा सा लग रहा है और थप्पड़ लग रहे हैं लू के सीधा शरीर पे। तो हेलो जी, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम सबको भाई, कैसे हो भाई। 6 बजे सोया था मैं और देखो 12 बजे मेरी गुड मॉर्निंग, 11 बजे ही मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आधा घंटा वो बेड से उठने में लगता है, फिर आधा घंटा बाथरूम में लगता है, तो भाई अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है अपनी। 12 बज गए, लेट हो गए, उठना तो अपने को जल्दी था काफ़ी, पर मैं उठ नहीं पाया क्योंकि 6 बजे व्लॉग व्लूग सब कुछ एडिट करके सोया था मैं। अब सीन ये है भाई के नीचे इसने बंटी ने भंडारा वंडारा करवा रखा है यहाँ पे पार्कर मॉल के पास, तो वहाँ जाना था अपने को। ऑब्वियसली लेट हो गए हम एज यूजुअल, क्योंकि टाइम की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ना, टाइम मैनेजमेंट जीरो है मेरी। तो अब बस फटाफट एक बार भाग रहे हैं ताकि पहुँचे, आई होप ख़त्म ना हो गया हो भाई। ऐसा कुछ उधर सीन चल रहा था भंडारा ऑन पीक। ये इस जानवर ने भंडारा करवाया, ये लो जी दर्शन कर लो भगवान जी के। इधर ऐसे चल रहा है फुल भंडारा, लेकिन यार आज में मतलब गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है भाई। गर्मी देख रहे हो, बेहिसाब गर्मी है। ऐसे बाइक भी चल रही है ना, थप्पड़ लग रहे हैं लू के सीधा शरीर पे आके। और गर्मी से याद आया, हमारे घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बाहर निकलते ही चक्कर आता है, जो पूरी गर्मी ना अपने घर के अंदर अंदर बैठे निकाल देते हैं। भाई साहब मतलब गर्मी का तो तुम्हें मुँह से ही दिख रहा होगा कितना बुरा हाल हो रहा है। तो जी अपने लोग निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि अपने को आगे एकदम अर्जेंट काम और अपने को जाना है परदेश, दैट मीन्स नोएडा। खुला खुला यार गर्मी में ना सही लगता है। तो कैब नीचे हमारी वेट कर रही है, मैं सोच रहा था पहले के बाइक से चला जाऊँ, पर फिर नो मैं भंडारे में गया और मुझे पता चल गया गलत सीन है, तो मैंने कैब कर ली। चलो मिलते हैं भाई, ऐसी गर्मी में कोई भी कैसे जा सकता है भाई। गर्मी अभी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैंने कसम से कैब रुकवा के अभी पहले पानी वानी पी रहा हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चूस रहा है शरीर भाई। दिल्ली में तो बुरा हाल हो रखा है कसम से भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल हो रखा है यहाँ तो। मैं तो पानी वानी पीने के लिए उतरा हूँ अभी, अभी भी देखो नोएडा दूर है काफ़ी। और भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, फटाफट चलते हैं कैब पे बैठ के। दिन नोएडा में घूमने के बाद अपने को क्या पता चलता है कि मुझे कल भी नोएडा आना पड़ेगा, क्योंकि आज वो काम पूरा हो नहीं पाया और अब रात ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा है डिसाइड फिर कि मैं मतलब यहाँ पे भरत के इधर आ गया हूँ, मैं यहाँ पे ही होटल लेकर रुक रहा हूँ, क्योंकि नोएडा से जाना फिर दोबारा आना उतना ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, प्लस ट्रैवलिंग वाला टाइम हम बचा सकते हैं। तो रात वैसे भी होगी थी, आज मैं इधर ही सो जाऊँगा और फिर कल हम दोबारा नोएडा जाएंगे। तो ये देखो, ये तो हमेशा सजा सवरा रहता है भाई, इसको देख के तो कॉम्प्लेक्स होता है मेरे को। और ये मेरे वाली कैटेगरी में आ गया है, ऐसे ही जीन्स पजामा चप्पल अपना ऐसा ही है। तो भाई अब बस थोड़ा यहाँ बैठेंगे, कॉफ़ी वोफी पियेंगे और उसके बाद चलते हैं सीधा होटल में, हो जाऊँगा चित। भाई ये देखो, ये ग्लास वाली कैबिनेट जो है, कितने सही सही ग्लास लग रहे होंगे ना तुम्हें इसमें, पर सारे गलत महंगे होंगे बिल्कुल। इसमें से ना मेरे को यार ये वाला तो पसंद आया है काफ़ी, एक तो ये वाला मतलब ये काफ़ी पसंद आया मुझे, अच्छा सा लग रहा है। और एक पर इसका कलर ग्रीन है, मुझे यार ग्रीन कलर पसंद नहीं है। और एक ये मतलब सिपर टाइप अच्छा लग रहा है, जैसे अपने घर में कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाओ तो डी का ये मतलब काफ़ी प्रीमियम सी लुक दे रहा है। ये एक मुझे पसंद आया है इसमें से, ये वाला दिल्ली वाला कप यार सेक्सी लग रहा है ये वाला कप, तो मैं सोच रहा हूँ लेने की। अभी ये हो गया और भाई कप तो सारे सही सही हैं यार इस पर। ये देखो भाई गलत सी, क्या लेना है वो डिसाइड करना है हमें। तो भाई आ गई है वो चीज़ जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी, इन्होंने मेरे को ये चोचले भी करने सिखा दिए यार। ये चीज़ भाई बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ना सुबह से मैं ऐसे एग्जॉस्टेड घूम रहा था। ये कॉफ़ी एक बार लेके ना थोड़ी एनर्जी सी आ जाएगी शरीर में, और उसके बाद भाई आके कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे। मेरे को तो ऐसे हो रहा है बिल्कुल कि ना कपड़े उतार के फेंक दूँ, क्योंकि एक तो गर्मी पूरा दिन चिप 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 और पूरा दिन ऐसे कपड़ों में घूमने जा रहा हूँ इधर से उधर। तो एक बार थोड़ा जाके फ्रेश व्रेश होएंगे, मुँह हाथ धोएंगे, तब थोड़ा मेरे को रिलैक्स मिलेगा ज़िंदगी में। भाई लड़ाई होगी यहाँ पे बहुत भयंकर, ये ना अंकल की और इनकी आपस में लड़ाई वड़ाई होगी बहुत बढ़िया।
तो भैया ले लिया हमने रूम, ऐसा कुछ अपना रूम। ये हमारा रूम है, ये देख लो, अब देखिएगा ये रूम है और ये मैं हूँ भाई। हालत ख़राब हो गई आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और ये है अपना, मतलब यार रात रात बस स्पेंड करनी थी तो उस हिसाब से मैंने ले लिया। और ये है बाथरूम, है ना। ये लो, अब मेरे फ़ोन की ना बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट 5%। मैं चार्जर लाया नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ सीन होने वाला है। तो अब व्हाट आई विल डू इज़ के मैंने होटल वालों को बोला यार चार्जर का जुगाड़ कराओ प्लीज़ भाई। तो इतने में फटाफट चेंज वेंज कर लेता हूँ, हवा लेता हूँ थोड़ा, ताकि समझ रहे हो ना थकान सी उतर जाए पूरे दिन की। फिर कुछ देखते हैं, फिर खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कुछ, है ना। पर यार ऐसे ना मेरा मन सा नहीं लग रहा है, यह ना मुझे रूम थोड़ा कंजस्टेड सा लग रहा है। तो मैं एक बार देखता हूँ अगर चेंज हो सकता है तो चेंज करवा लूँगा यार, क्योंकि मेरे को ना फिर भिचा भिचा महसूस होता है। तो भाई इन लोगों ने मेरी जान बचा ली है, चार्जर ले आए मेरे लिए, तो मेरा फ़ोन चार्ज हो पाया। अब ये उनो थोड़ा बहुत खेल के खाना वाना खा के सोएंगे भाई, क्योंकि कल फिर मेरे को क्या बोलते हैं दोबारा नोएडा जाना है। उनको परेशान कर दिया मैंने आज बहुत ज़्यादा बार बार। अब एक दो बाजी खेलते हैं और खाना भी आ गया। अपने पापा का, अब इसके पापा को पता नहीं है कहाँ पे है। इसके पापा के पास फोन गया कि मैं खाना लेके होटल के बाहर खड़ा हूँ। इसके पापा ने गाली सुना, पापा क्या सोचेंगे तू बूम बूम कर रहा है होटल में। ये नहीं पता लड़का 3 महीने से खाली बैठा, कोई बूम बूम नहीं मिला। चलो भाई खाना वाना खाते हैं अभी, या पहले एक बाजी खेलते हैं ना। मैं भी एक बार बोल दूं। तो जी आ चुका है अपना खाना, ये देखो कितना, इसने देखो इस आदमी ने देखो चटनी प्याज के साथ क्या करा है भाई। चम्मच ले जी, ले मत पकड़ लियो यार, पैन नहीं है यहाँ से। खाना खाएंगे और फिर पत्ते बजाएंगे। ये कटोरियों पर साथ। चलो भाई खाना खाते। तो खा लिया था भाई हमने खाना वाना, और उसके बाद बढ़िया उनो खेला। भरत को बिल्कुल धूल चटा दी हमने, हरा हरा के इतना हरा दिया। और अब निकल चुके हैं अपने घर पे भाई। मैं भी अब सोऊंगा आराम से, क्योंकि फिर ना सुबह मैंने नोएडा में टाइम दे रखा है किसी को, और टाइम पर पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेट पहुँचे तो फिर भाई आज वाला सीन हो जाएगा, फिर दोबारा रुकना पड़ेगा। उसी से कुछ पॉइंट है नहीं, तो कल बस आई होप कि कल अपना ये सारा काम निमट जाए ताकि मैं वापस अपने घर जा पाऊँ। और बस भाई आज के लिए इतना ही। और व्लॉग पसंद आया हो तो भाई व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टिल देन चलो भाई गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।